मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग में। मैं हूं अतुल राजपूत और हम आज जा रहे हैं कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो रहा है नेचुरल स्विमिंग पूल जो कि मुळशी में। तो हम मुळशी में जा रहे हैं एकोले वैली। एकोले वैली में नेचुरल स्विमिंग पूल है। तो अभी हम सब जमा हो गए यहाँ पे, फिर भी कुछ दोस्त आने बाकी है जो कि आए नहीं। सुबह 6 बजे निकलने वाले थे, अभी बजे 8, फिर भी हम यहीं पे घर के नीचे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं और बजे 10:30 क्योंकि हम सुबह 6 बजे निकलने वाले थे। इन्फिनिटी पूल जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा जानलेवा वहाँ जाने का ट्रैक है। तो दोस्तों आप नॉन ट्रैकर पर्सन है तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए या किसी अच्छे ग्रुप के साथ आइए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करे। व्लॉग में हमने पूरा ट्रैक दिखाने की कोशिश की है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस अभी हम पुणे के साइड से आए, पुणे से मुळशी, मुळशी से निवे गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर पे ऐसा आहिरे वांद्रे पिंपरी करके बोर्ड लगेगा, उधर से सीधे रोड से जाना है। यहाँ पे जय मल्लर करके होटल है, वहाँ से अंदर जाना है ऐसा सीधे। और ये रोड कुंडलिका वैली भी जाता है, पर ये सब बारिश में जन्नत, सच में जन्नत है। अगर बारिश में आए ना आप तो जरूर कुंडलिका वैली विजिट दीजिए। अभी जाके देखते एकोले वैली कैसी है। तो दोस्तों कुंडलिका वैली से सीधा आप आएंगे ना तो आपको एक सीधा रोड दिखेगा जाने के लिए और एक लेफ्ट टर्न है ब्रिज के ऊपर से, आपको लेफ्ट टर्न लेना है इस रोड से और यहाँ से सीधा आगे चलना है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पार्किंग है, बहुत सारी भीड़ है। गाड़ी अभी हमने वहाँ पे पार्क कर दी है, पिछली बार अभी चला था इधर। हाँ पिछली बार जो वीडियो नहीं क्या वो इंस्टा पे आ रहा था अतुल, वो था सीन इधर। तो पिछली बार यहाँ पे ना गाड़ियाँ लगाई थी तो गाड़ी गर्म थी और घास थी तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जल चुकी है, इस वजह से उन्होंने थोड़ा दूरी पार्किंग रखा है। अभी कम से कम 1.5 घंटे का ट्रैक है, चलते जाना है। कितने बजे, कितने बजे था आज? 12:03 12 बज चुके और ये गर्मी का मौसम है। थैंक्स टू अजय, थैंक यू अजय। अरे वेलकम ब्रो, लेट आल्याबद्दल मनापासून आभार। नहीं तो सुबह सुबह चले जाते आराम से छाव में। अरे कैसे सीन आगे दिख रहे कार रुको रुको आपको दिखाता हूँ। वो तेल बेल किला है वो वाला, और ये गाड़ियाँ जली थी अभी तक इधर ही है। यहाँ पे लोग पहले गाड़ी पार्किंग करते थे सब जगह। ओह माय गॉड न्यू कार, ए नकलिया कांग्रेचुलेशन। न्यू गाड़ी भाई, न्यू गाड़ी ना ये पोलो होती, पोलो वोल्सवैगन। टू व्हीलर काय माहिती पल्सर दिसती, ही तर पल्सर आहे। भारी भारी गाड्यांचा भगा। अरे आणि ही दिसती रॉकी भाई। चलने के बाद ही तुरंत आपको ऐसी सीढ़ियां दिखेगी नीचे उतरने के लिए। अरे बाबा पॉइंट एवढे लवकर नाहीत,
काय आहे काय पॉइंट आहे खतरनाक वाव पाकोळी तुझ्या मागे आहे चल मस्कर रे आज अरे बापरे हा चढायचं येताना बापरे बहुत डेंजर ट्रैक लग रहा है आते एक जरा सेफ्टी लेते आना आप भी काय झालं युट्यूबरचा बाउंसर ले डेंजर लावलाय कुठे मला पुढे जाऊ दे नाही लोक मध्ये नको काम करू सरकते खाली पक्का बाउंसर रे मला जीवन गाडी पुढे घेतो तो मला थांब 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 व्हिडिओ थांब बहुत खतरनाक ट्रैक है और उसमें हमने खाना बनाने के लिए पूरा सामान लिया है फटी 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 बोरी वाले बाबा भी देखो बोरी वाले बाबा किधर रे काटी ना गोंगड़े की रे मला बापरे तो दोस्तों बहुत हार्ड ट्रैक है भाई खतरनाक चकावत ट्रैक स्टार्ट करके हमें 20 मिनट भी नहीं हुए उतने में बिल्कुल भी प्लेन रोड नहीं है हाँ आलो काय माहित नाही बाबा ये तक मालूम नहीं बराबर जा रहे या नहीं जा रहे सिर्फ चलते जा रहे ए कुठून जायचे वर का चाललंय कोण बोललं भाऊ अरे खाली कुठे अरे वर नाही रोड भाऊ कडाकडे जायचे खाली उतरायचे वर काय करणार जाऊन अरे मग खाली उतरायचं दरीत उतरायचं आपल्याला दरी मध्ये उतरायचंय चल नकले व्हिडिओ बघितला ना नाही खा स्टार्टिंगला खालीच आहे ना डायरेक्ट वर जाऊन बघावं लागणार लॉस्ट लॉस्ट ना आगे रोड दिख रहा ना कुछ नाही तर कुछ साईन वाईन की इधर से इधर जाऊ उधर से अरे फेमस एकोले वैली फोटो भी तो नहीं बहुत डेंजर है अभी स्लोप है पूरा स्लोप से आराम से जाना पड़ेगा पूरा स्लोप है ये इंस्टाग्राम पे दिखते उससे बहुत ही डेंजर है अभी हम ऊपर से उतरे कैसे तो नीचे अभी वापस एक फेस पार करना है और नीचे उतरना है और ऐसे ही नीचे उतरते उतरते घेरे खाई में उतरना है और वहाँ पे और वो पॉइंट है अभी लगभग और 2 किलोमीटर बोल रहे हैं आगे देखते हैं जाके बहुत बहुत डेंजरस बहुत डेंजरस ये इंस्टाग्राम रील्स पे दिखता है बहुत अच्छा अच्छा पर रियलिटी बहुत डार्क है फाइनली ये थोड़ा
थोड़ाफार अच्छा रास्ता मिला है, पर कितने दूर तक है वो नहीं मालूम। अभी इतना करने के बाद वो नज़ारा कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, नहीं तो सब फेल। इतना से वो दिखता है उस हिसाब से तो अच्छा ही रहेगा, पर डोंट नो। ओ शायद बारिश में तो पूरा बंद होगा, क्योंकि ये पूरा नदी का ही रोड है, पूरा का नदी का ही रोड है। लेट्स गो। अभी थोड़ा ये मिट्टी वाला रोड चालू हो गया है, पर पूरी ढलान वाली मिट्टी है, इससे बहुत आराम से चलना पड़ेगा। अगर नीचे गए तो सीधा छोटी सी खाई है। दोस्तों इससे पहले हमने ना देवकुंड का ट्रैक किया होता, वो तो 13 किलोमीटर था और कम से कम 3 से 4 घंटे चलना था, इधर सिर्फ 2 ही घंटे चलना है। पर खतरनाक है, जो पहली बार आएगा वो फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट और लास्ट टाइम ही वापस लेकर आने वाले बस। हाँ, और मुंबई, मुंबई भी जवर है इतना, मुंबई 100-150 किलोमीटर है शायद इधर से। घातक वाली स्टोरी नहीं करते मुंबई वाले, घातक वाली। ए, ये बहुत हार्ड हार्ड। हाँ सर तुला डपका, ए भाई ले हाड़ है, आरामत 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 हाड़ला पकड़ो। सह्याद्री इतना टोल तिथ झोल वे भाई आराम अजिंक्य बगुन आजा निवांत। काय विषय पडलाय का हळू हळू अतिशय विचित्रपणे पडले बोले हित आता जा ए हित पण हे रे काय भाई वो आपण खतरा ते इथूनच गेलो असतो हित पण टोले असं काय रस्तो झोले पाटले केला तरी चाललं पाटलं आजिंके अरे नको गैप ना ओके ब्रो पकड़े ना तो भरा लगा। तो दोस्तों ये है आयुष अल्लाह अपना ही भाई डायरेक्ट नीचे ये आली भटाकर रोड का घाट है अभी वो फेंकने वाला है। फाइनल 1.5 घंटे के बाद पहुंची गए अजून पुढे चल अरे आम्ही नेतो तुला चल अरे तू चल ना नेतो ना तुला आम्ही जिथे घाबरशील तिथं बस चल अरे जिथं घाबरशील तिथं बस अजिंक्य नको अतुल लेट्स गो मंदिर
अल्टरनेटिया ना बाबा अजिंक्य ले हार्ड एरो चल 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 हळू हळू आया दोरी चाक लो चल नको 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 अरे नहीं है ना अंगाला ना ना ये इत पाय ठेव तू फक्त पुढे लटक लटक त्याला काय विषय नाही फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ब्रो आला भाई वापस स्विमिंग पूल दोस्तों यहाँ पर आना होगा किसी अच्छे ट्रैकर ग्रुप के साथ ही आ जाइए तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके और हम जा रहे हैं तैरने के लिए भाई निटातले जाऊ जाऊ चल जय शंभू नारायण ए अजिंक्य आतवर कर जाना क्रॉस मारली तो दोस्तों बहुत मजा आई बहुत ही ऐसा खूबसूरत है जैसा सुना था वैसा ही है पर बहुत रिस्की है ये पॉइंट बहुत रिस्की है कोई प्रोफेशनल ट्रैकर के साथ ही आप आए अदरवाइज बहुत रिस्की है तो अभी जाएंगे भूख लगी है तो साथ में मैगी लाए तो कुछ तो अच्छा सा पॉइंट देख के मैगी बनाएंगे खाएंगे और घर जाएंगे तो दोस्तों अभी हम एक अच्छा स्पॉट देख के इधर रुके अभी यहाँ पे मैगी बनाएंगे और खाएंगे पूरी अभी इधर मैगी बनाने की पूरी तैयारी चालू है मस्त कांदा वांदा कांदा यानी प्याज ककड़ी धोबी मिर्चीला एक मिनट कैप्सिकम है क्या है कैप्सिकम ओके
ऐसे इंग्लिश मध्ये बोलतात, हिंदी में ऐसे क्या बोलते प्लीज कमेंट करके बताइए। ढोबळी मिरची काय बोलतात तिला, शिमला मिरची, शिमला मिरची मराठी में तो ढोबळी मिरची कहते हैं, ढोबळी मिरची ढोबळी ढोबळी रहती है ना, बडोळी मिरची चॉपिंग चॉपिंग न्यू उलत ना उलत ना चॉपिंग हे पण टाकायचे होते गाजरे पाणी पाणी का इतना कमतरता हो गए थे ना, हमने 12 लीटर लेके गए थे पर चलते चलते हमने इतना पानी पिया कि अभी पानी ही बचा नहीं, 2-3 ही बॉटल बची अभी मैगी, फिर हम इधर ही नहर के पानी में बन रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखा तो इधर इतना लोगों ने कचरा करके रखा है ना, और ये इधर है ना उठाने वाले भी कचरा, अभी हम भी पूरा एक पॉलिथीन एक्स्ट्रा लेके आए, सब कुछ होने के बाद एक पॉलिथीन में भर के फिर वापस लेके जाएंगे। वो नेचुरल स्विमिंग पूल था, अरे नेचुरल बात तो पे गेलो नदी नदी ना आम्हाला गावले पाण्याचे धार, आम्ही चाललो तो नदी नदी ना आम्हाला गावले पाण्याचे धार, अरे ता माझ्या, अरे कपडा घे कपडा घे, पाणी राहू द्या टेन्शन नका घेऊ, पाणी द्या वतून बोललो ना आग वायला टावेल लागेल ते जळ भूस भूस नाही मीठ नाही आणलं अरे कमी, आयुष ने खाली कच्ची मैगी, आयुष ने खाली मैगी कच्ची जायची अभी मैगी बन के रेडी है, वो अभी खाएंगे, बहुत भूख लगी है। तो गाइस आ जाइए मैगी खाने के लिए, मस्त अभी देखते हैं टेस्ट, टेस्ट क्वालिटी रहेगी क्योंकि अजिंक्य भाई ने बनाई है, खाऊंगा मस्त ना। लिंबू है ना, बेस्ट लिंबू टाक रे, खरा बेस्ट भाई आज इनके मस्त, थैंक यू ब्रो, यूनिक मैगी, अरे वेजिटेबल मैगी मस्त। तो गाइस खाना अभी खा के हो गया है मैगी हमारा, तो अभी चलते, अभी भी इधर से कम 1 घंटा तो ट्रैकिंग है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम ख़त्म करते, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और बेल आइकॉन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले, बाय बाय। कसा कसा बाय बाय।